हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए मजेदार अमेजिंग टेक न्यूज रिलेटेड टू आवर अमेजिंग टेक वर्ल्ड। सो आज की टॉप न्यूज है हमारी एनवीडिया की तरफ से, वेयर एनवीडिया इज गिविंग फ्री ब्लैक मिट वोकोंग गेम बंडल विद देयर न्यू RTX 40 ग्राफिक कार्ड्स। सेकंड न्यूज है फोल्डेबल कीबोर्ड के ऊपर विच इज इक्विप्ड विद AMD Ryzen APU दैट फिट्स इनटू अ पॉकेट। थर्ड न्यूज है हमारी सैमसंग के न्यू स्नैपड्रैगन पावर्ड लैपटॉप्स के ऊपर। फोर्थ न्यूज है हमारी T-Skill के ट्राइडेंट Z5 रॉयल सीरीज की हाई परफॉर्मेंस DDR5 मेमोरी के ऊपर। फिफ्थ न्यूज आती है हमारी टीम ग्रुप के गेमिंग सीरीज T-Force के नए DDR5 मेमोरी पर, विच कैन गो अप टू 10,000 MHz टू डोमिनेट गेमिंग परफॉर्मेंस। सो इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहली न्यूज है हमारी एनवीडिया की तरफ से, वेयर एनवीडिया अनाउंस द न्यू गेम बंडल आफ्टर पार्टनरिंग विद गेम साइंस। ब्लैक मिथ वुकोंग विल बी बंडल विद ऑल डेस्कटॉप एंड लैपटॉप GPU सीरीज एक्सेप्ट फॉर लो एंड मॉडल्स। हालांकि गेम की जो मिनिमम रिकमेंडेड सेटिंग है फुल रे ट्रेसिंग के साथ, उसमें RTX 3060 इंक्लूड है एंड द RTX 4060 एज रिकमेंडेड। बट एनवीडिया हैज चूजन नॉट टू इंक्लूड RTX 4060 इन द बंडल। एलिजिबल GPUs की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एंड ऑल्सो नॉन एलिजिबल GPUs की भी। गेम के अंदर हमें NVIDIA RTX की ज्यादातर टेक्नोलॉजीज मिल जाती हैं, जैसे कि DLSS 3, रे ट्रेसिंग एंड रिफ्लेक्स। द गेम इज शेड्यूल्ड टू बी रिलीज्ड ऑन अगस्त 20th। सो गाइस, ये एक अच्छी न्यूज है, इफ यू आर प्लानिंग टू बाय एन RTX 40 सीरीज GPU, देन यू कैन गेट दिस गेम फॉर फ्री। तो इसी के साथ आ जाते हैं अपनी सेकंड न्यूज पर, विच कम्स फ्रॉम द लिंगलोंग अ फोल्डेबल कीबोर्ड इक्विप्ड विद AMD Ryzen APU दैट फिट्स इनटू अ पॉकेट। एंड हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक पोर्टेबल मिनी PC है जो कि कीबोर्ड चेसिस में एम्बेडेड है। एंड इसकी एक साइड में बैटरी है एंड अदर साइड कंटेन्स अ फुल मदरबोर्ड विद द APU, मेमोरी, स्टोरेज एंड कूलिंग सिस्टम। व्हेन फोल्डेड इट कैन फिट इनटू अ बैक पॉकेट। बात करें इसके स्पेक्स की, तो इसके अंदर हमें पॉपुलर AMD Ryzen 7 8840U प्रोसेसर मिल जाता है विद 8 कोर, जो कि Zen 4 प्रोसेसर है विद Radeon 780M ग्राफिक। इट ऑपरेट्स ऑन 30W मोड वाइल मेंटेनिंग प्रॉपर हीट डिसिपेशन विच कीप्स द राइट साइड बिलो 42°C। इसके अंदर हमें सारे सेंसिल कनेक्टर मिल जाते हैं, USB 4, USB 3.1, Type-A and USB 3.1 with Wi-Fi 6 connectivity. The 60 Wh battery provides up to 10 hours of office use, 6 hours of entertainment or 4 hours of gaming. It comes with a 100 W charger that can also power other devices. User can choose between 16 GB and 32 GB DDR5 memory configuration and 512 GB or 1 TB storage option. And इसका वेट हमें 800 ग्राम के करीब देखने को मिल जाता है, which is very light. Linglong keyboard PC के specs आप screen पर देख सकते हैं। So let's move to the third news that comes from the Samsung powered with Snapdragon processor, which gives up to 22 hours of battery life. So Qualcomm ने announce कर दिए हैं अपने Snapdragon X-Lite processor series के laptop, जो कि ARM architecture पर based हैं, and Microsoft भी काफी effort डाल रहा है in making ARM architecture as compatible as possible on Windows. WinFuture has revealed Samsung first Galaxy laptop with ARM SoC on board. These are the Snapdragon X-Lite laptops from the Galaxy Book 4 8 series, available in 14-inch and 16-inch series. The Book 4 8 14 and Book 4 8 16 Pro similar design feature करते हैं with an Arctic blue color scheme. इन दोनों ही laptops में हमें एक special key मिलती है for Microsoft new Copilot key for easier access to built-in AI assistant. The 16-inch version also comes with a 61.8 Wh battery and is powered by a USB Type-C connector up to 65 W. Samsung claims that this is enough to offer 22 hours of battery life for local movie playback with 150 nits brightness and airplane mode on. And fourth news aati hai hamari G-Skill Trident Z5 Royal ke upar. The Trident Z5 Royal series is a high performance DDR5 memory which feature a mirror finish heat spread in gold or silver color and a full length crystalline light bar. The Trident Z5 Royal is the embodiment of high class luxury of the flagship Trident Z5 product family. Trident Z5 Royal marks the return of the popular luxury glass design to the new generation of DDR5 memory under the Trident Z5 design. Engineered for overclocked performance, Trident Z5 Royal offer karta hai an extreme DDR5 18400 CL40 with 48 GB 2x24 GB kit capacity. Isme hame customizable RGB lightning ka bhi support mil jata hai through a G-Skill Trident Z5 lightning control software or third party motherboard lightning software. New Trident Z5 Royal series latest Intel XMP 3.0 bhi support karta hai for memory overclocking and via the directly motherboard BIOS. And aaj ki last news par aa jate हैं
हैं जो है टीम फोर्स की न्यू DDR5 मेमोरी पर। सो द T4 एक्सट्रीम DDR5 मेमोरी मॉड्यूल्स रीचेस न्यू हाइट्स दिस ईयर विद एन एक्सक्लूसिव ओवरक्लॉकिंग परफॉर्मेंस दैट अनक्लॉक्स द फ्रीक्वेंसीज अप टू 10,000 मेगाहर्ट्ज़ पुशिंग द लिमिट्स टू डोमिनेट गेमिंग परफॉर्मेंस। एट Computex 2024 T4 एक्सट्रीम DDR5 मेमोरी मॉड्यूल फ्यूजी वाइट एंड डायमंड रोज कलर्स विल मेक देयर ग्लोबल डेब्यू। इस मॉड्यूल के अंदर हमें 2mm थिकनेस एल्यूमिनियम एलॉय फिन हीट सिंक भी देखने को मिल जाती है टू एनहांस इट्स थर्मल कैपेसिटी। इट्स हीट स्पीड इज मेड अप ऑफ सॉलिड मेटल एंड सैंड ब्लास्टेड सरफेस ट्रीटमेंट एसेंचुएटेड बाय द आइकॉनिक T4 लोगो बैज। सो एज आज की न्यूज हमारी यहीं पे खत्म होती है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली ऐसे ही अमेजिंग टेक न्यूज में।